देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज मिलने के बाद हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। हरियाणा की मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सभी जिलों में कोरोना वायरस से निपटने के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। कैथल जिले के डिप्टी कमिश्नर सुजान सिंह ने बुधवार को एक बैठक कर कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। आइए देखते हैं। कल चीफ सेक्रेटरी मैम ने दिशा निर्देश दिए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, प्रिपेयरनेस ऑफ कोरोना वायरस डिस्ट्रिक्ट कंटेनमेंट प्लान बनाने के लिए। उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश में या अध्यक्षता में अभी मीटिंग की गई है और स्वास्थ्य विभाग इस संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास 28 आइसोलेशन वार्ड बेड उपलब्ध हैं, 7 वेंटिलेटर हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट जिससे हम मरीज के संभावित मरीज के सैंपल लेते हैं उपलब्ध हैं, N95 मास्क हैं और स्वास्थ्य विभाग ने पूरा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को ट्रेन कर दिया गया है और उन सबको जो भी बचाव के तरीके बता दिए गए हैं, शहर में बैनर्स लगा दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग ने। जो भी ट्रेवलर्स आ रहे हैं इंटरनेशनल, वो चीन से या कनेक्टिंग फ्लाइट से, उन पे नज़र रखी जा रही है और हम पूरी तरह मुस्तैद हैं। हमने अपना एक एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्प्ले कर दिया बैनर्स पे, पर्सनल मोबाइल नंबर, कि वो मरीज या जिसको भी कुछ क्वेरीज रहती हैं वो उस पर फ़ोन करके हमसे संपर्क कर रहे हैं। 31 कॉल आ चुकी हैं अभी तक हमारे पास उस नंबर पे। जनता घबराए ना, स्वास्थ्य विभाग उनके साथ है। यही है कि सबसे पहले तो ये वायरस का ओरिजिन चाइना है। फीवर, कफ, सोर थ्रोट, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये इसके लक्षण हैं। बचाव का तरीका सबसे बढ़िया यही है कि नाक मुँह को बार बार हाथों से टच ना करें, हाथों को बार बार साबुन पानी से धोते रहें, खांसते छींकते समय मुंह पे नाक पे कपड़ा रखें, हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे का अभिवादन हाथ जोड़ के करें, स्वस्थ डाइट लें, सुबह उठ के अच्छा ब्रेकफास्ट लें, विटामिन सी का सेवन करें, गले को तर रखें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ केसेस डिटेक्ट हुए हैं दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में आज हुआ है, तो उसमें डूज एंड डोंट्स पे स्ट्रेस किया गया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और इन केस है तो इसमें क्या प्रिपेयरनेस करनी है, क्या तैयारी करनी है, अगर कोई केस ऐसा होता है तो डिस्ट्रिक्ट कंटेनमेंट प्लान बनानी है, फिर उसका बफर एरिया जोन प्लान बनानी है, उसमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, कैसे उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, इसके बारे में जितने भी स्टेक होल्डर्स थे हमारे, सारे शिक्षण संस्थान हैं, होटल वाले थे, IIMA से हैं और आपको यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, तो उन सब से चर्चा की गई, ट्रांसपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, उनमें हमने जब जहां पर ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है तो उन्हें अपनी पर्सनल हाइजीन पे कैसे क्या ध्यान रखना है ताकि इस वायरस का जो इफेक्ट है उसको हम अवॉइड कर सकें, इसके बारे में मीटिंग थी और शहर के जो भी मुख्य लोग हैं सभी यहाँ पर उपस्थित थे, सभी संस्थाएं उपस्थित थी, उनके माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ये हम प्रचार प्रसार इसका करना चाहेंगे कि इस वायरस से बचा किस तरह से जा सकता है, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं, लेकिन सिर्फ पर्सनल हाइजीन से और अपना जो लाइफस्टाइल के तरीके से, खान पान के तरीके से हम थोड़ा सा उन्हें बदलाव करके इस वायरस से हम बच सकते हैं, इस बारे में ये मीटिंग थी और प्रचार प्रसार करने के लिए सभी को कहा गया है। जैसे 8 मार्च को महिला दिवस है, सभी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होनी है, तो उसमें भी एजेंडा रखा गया है कि लोगों को इस पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएं ताकि इस कोरोना वायरस से बचा जा सके। शहरवासियों से अपील यही है कि जो हम पंपलेट्स के जरिए हमने बताया है, जो उसमें डूज हैं, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, उनका पालन करें, और जो हमारी पुरानी सबसे पहली पद्धति है हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करके एक दूसरे का अभिवादन करें। अभी इसकी हम डिस्ट्रिक्ट कंटेनमेंट प्लान बना रहे हैं तो उसमें जिस तरह से कंटेनमेंट प्लान बनाने का प्रारूप आया है उसके अनुरूप हम इसकी प्लान बना रहे हैं। हमारे पास सारी जो भी तैयारियां हैं वो हम इसमें कर रहे हैं, जो हमारी खामियां रहेंगी या हमें रिक्वायरमेंट है वो हम डिपार्टमेंट को भेज देंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हरियाणा सरकार की तैयारियों के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।